दोस्तों, अगर आप अपने शरीर में दम लाना चाहते हैं, अपने शरीर को ताकतवर बना के और स्टैमिना को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। वैसे तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें करके आप अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होती है फूड, यानी हम कौन सी चीजें खा रहे हैं वो ज्यादा हमारी ताकत को बढ़ाने में मदद करता है। मैं पहले ही आपको बताया हूं कि अगर आप लोगों को अपनी ताकत बढ़ानी है तो अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा, मतलब प्रोटीन को खाने से भी ज्यादा जरूरी होता है कि वो जो प्रोटीन हम खा रहे हैं उसे हमारा शरीर सही से सोख पाए, क्योंकि अगर हमारा शरीर उस प्रोटीन को नहीं सोख पाएगा तो जो भी प्रोटीन आप खाओगे वो आपका बाहर निकल जाएगा, आपके शरीर में नहीं लगेगा और आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी, शरीर में ताकत नहीं आ पाएगी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स बताऊंगा, साथ में एक्सरसाइजेस बताऊंगा, दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना, एक एक चीज समझ लेना, तभी आपके ऊपर ये असर करेगा। देखो, फूड की हम बात कर ले, मैंने बताया कि आपके शरीर में प्रोटीन का एब्जॉर्ब होना यानी सोखना बहुत जरूरी है, तो आप लोग को एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों की किडनी सही होगी तो आप लोग जो भी प्रोटीन खाओगे वो सही से एब्जॉर्ब होगा, आपके बॉडी में लगेगा और आपके शरीर में लगेगा। तो देखो, किडनी को स्वस्थ रखना है उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको पानी की मात्रा बढ़ानी होगी, उसके साथ में आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार पाइनएप्पल या हम जिसे अनानास बोलते हैं उसका जूस पीना बहुत जरूरी है। आप लोग जूस भी पी सकते हो, आप लोग खा भी सकते हो। अनानास क्या करता है, अनानास आपकी किडनी को क्लीन रखता है, जिससे आप जब भी जो प्रोटीन लेते हो, कोई भी प्रोटीन खाते हो, तो वो सही से आपके शरीर में लगता है और आपकी मसल्स ग्रो होती है, साथ में शरीर में ताकत आती है। आप लोगों को मैं बता दूं, पाइनएप्पल में होता है एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है, उसी के साथ में इसमें एंजाइम्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है जो शरीर को मजबूत बनाता है। उसके साथ में तो दूसरी चीज है, ये बहुत ही साधारण सी चीज है जिसे बोलते हैं मूली। जी हाँ दोस्तों, मूली खाने से आपकी किडनी क्लीन रहती है, आपकी किडनी साफ रहती है और प्रोटीन एब्जॉर्ब भी अच्छे से होता है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को खाने के साथ जब भी आप लोग हफ्ते में 2-3 बार तो कम से कम आप लोग मूली जरूर खाएं अपने खाने के साथ में। और उसके साथ में जो सबसे अच्छी चीज है उसे बोलते हैं एग व्हाइट, या आप लोग पूरा एग भी खा सकते हैं। एग व्हाइट जो होता है उसमें किडनी फ्रेंडली प्रोटीन होता है, मतलब ऐसा प्रोटीन होता है जो सबसे तेजी से सबसे जल्दी हमारे शरीर में लगता है, तो जल्दी बॉडी बनानी है तो एग्स खाना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। उसी के साथ में देखो, मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। ये जो पार्ट है वीडियो का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक्सरसाइज किए बिना आपकी बॉडी नहीं बन सकती, शरीर में जो कमजोरी है वो दूर नहीं हो सकती है। अगर शरीर में दम लाना है तो एक्सरसाइज करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी मसल्स नहीं चाहते हैं, बस अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं, अपने शरीर में ताकत रखना चाहते हैं, उनको ऐसा बेहतरीन वर्कआउट बताऊंगा कि उनका शरीर तेजी से ताकतवर बनने लगेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं मैन मैटर्स के शिलाजीत के बारे में। ये शिलाजीत पूरी तरह से सर्टिफाइड है और ये हायर एल्टीट्यूड हिमालय से निकाला जाता है पूरे प्योर फॉर्म में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मार्केट में केवल 1% शिलाजीत जो बिकते हैं वो रियल होते हैं। मैन मैटर्स का शिलाजीत आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, आपके स्टैमिना को बढ़ाने में मदद करता है। इसका स्वाद भी काफी ठीक है और ये आपके शरीर में इम्यूनिटी और स्टैमिना बूस्टर का काम करता है। इसमें ज्यादा मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है जो आपकी बॉडी में कामिंग इफेक्ट लाता है, आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है, आपके हार्ट को रिलैक्स करता है, आपके स्ट्रेस को कम करके आपकी बॉडी को सूदिंग इफेक्ट देता है। इस शिलाजीत में आप लोगों को 75% फुल्विक एसिड मिलता है। मैन मैटर्स का शिलाजीत प्योर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से हिमालयाज से निकाला जाता है, वो भी पूरी प्योर फॉर्म में। ये पूरी तरह से शुगर फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, जो इसे पूरी तरह से सेफ और नेचुरल बनाता है। मैं आप लोगों को मैन मैटर्स के शिलाजीत का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपको Amazon और Flipkart दोनों पे ही मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। अब बात कर लेते हैं हम अपनी ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस के बारे में। पहली एक्सरसाइज है क्रॉलिंग, जिसको हम ऐसे रेंगना कहते हैं, जिस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग एक्सरसाइज है। आपको क्या करना होता है, बस इस तरीके से आपको चलना होता है और कम से कम आप लोगों को लगातार 1 मिनट तक चलना होता है, फिर 30 सेकंड का ब्रेक लेना होता है, फिर 1 मिनट तक चलना होता है। इससे आपका ओवरऑल जो शरीर है वो बहुत मजबूत बनता है, आपके शरीर में ताकत आती है।
उसके साथ में जो दूसरी हमारी एक्सरसाइज होगी, इसमें हमें किसी भी मूवमेंट को नहीं करना है, मतलब अपने शरीर को नहीं हिलाना है। आप कोई भी रॉड ले सकते हो जो मुड़ी हुई हो, और उसको आपको और ताकत लगा के मोड़ने की कोशिश करनी है। मुझे पता है वो मुड़ेगी नहीं, और ना ही आपको उसे मोड़ना है, बस कोशिश करना है, और जितनी दम आप लगा सको उतनी दम लगानी है। इस तरह की एक्सरसाइज जब भी हम परफॉर्म करते हैं जिसमें शरीर को हिलाते नहीं है, रुक के एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे दिमाग में सीधे इसका संकेत जाता है, जिससे वो हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। हमारे शरीर में HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जो हमारे शरीर को ताकतवर बनाता है। उसके साथ में आप लोग अगर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें कुछ आप लोग खींच सकते हो, तो अपने दोनों हाथों से आपको खींचना है और 5-10 सेकंड तक खींच के रखना है, उसके बाद छोड़ना है। आपको इस तरह की एक्सरसाइज करनी है जिसमें मूवमेंट आपका कम हो, लेकिन आप दम अपनी ज्यादा लगा पाओ, ताकत ज्यादा लगा पाओ, तो धीरे धीरे आपका शरीर मजबूत बनता जाता है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, इन सभी को आप एक बार ट्राई करके देखो अपने शरीर पे, आप देखोगे कि बहुत ही कम समय में आपके शरीर में ताकत आने लगेगी और आपकी मसल्स भी बनने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।